जब देश गुलाम हुआ तो आरक्षण नहीं था, वरना कहते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश गुलाम हो गया। कुछ बुद्धिमान बोल रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप बताइए कि देश के आज़ाद होने के बाद 15 प्रधानमंत्री बने, इनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, इनमें से कितने आरक्षण वाले बने? देश में अभी तक जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, इनमें से कितने बहुजन घोटालेबाज हैं? अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखें तो इनमें कोई भी आरक्षण वाला नज़र नहीं आता। कॉमनवेल्थ घोटाला, काला धन घोटाला, यूरिया घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, सत्यम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, बहुत लंबी लिस्ट है। तो क्या ये सारे घोटाले आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जब देश गुलाम हुआ तो आरक्षण नहीं था, वरना कहते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश गुलाम हो गया। बिना आरक्षण वाले ललित मोदी और विजय माल्या देश को कर्ज में डालकर विदेश भाग गए। ये बिना आरक्षण वाले ही साधु महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के जुर्म में जेल में बंद हैं। बिना आरक्षण वाले ही ISI और पाकिस्तानियों की जासूसी करते पकड़े जाते हैं। बिना आरक्षण वाला सेना के हेलीकॉप्टर घोटाले का मुखिया है। बिना आरक्षण वाले फिल्म स्टार पर गैरकानूनी रूप से हथियार रखने का मुकदमा दर्ज है। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात है, जब प्रतिनिधित्व की बात करो तो इनके जनेऊ निकल आते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।